मेन प्वाइंट हम लोग का स्ट्रेटजी क्या होगा कि इस बार का एग्जाम सितंबर में हम लोग जरूर पास कर जाएंगे श्योर sure. और क्वांट में क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए क्वांट का स्ट्रेटजी क्या हो क्वान्टचुअली मीन मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स एट ऑल ऑब्वियसली एल आर इज इंक्लूडेड बट एल आर इज नॉट एक्चुअली मैथमेटिक्स सी ए फाउंडेशन स्टूडेंट सेप्टेम्बर के लिए तुम लोग को यह सोचना है कि हम लोग फाइनल प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस प्रिपरेशन में हम लोग को कुछ खोना नहीं है पाना है और श्योरली स्कोर करना है तो स्टूडेंट्स को हम यही बोलेंगे कि हम एक प्लान बनाए और वो थ्री वीक्स प्लान है तीन वीक का प्लान बनाए जो चार तारीख से स्टार्ट करेंगे फोर्थ अगस्त से और एवरी वीक तीन टेस्ट दिया जाएगा ऑनलाइन में दे देंगे और वो टेस्ट तीन टेस्ट तीन एवरी वीक और उसके लिए तुम लोग पहले रिविजन करो एवरीथिंग विल बी गिवन इन द ग्रुप और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कब क्या होगा कौन सा सब्जेक्ट होगा एवरीथिंग यू विल गेट फ्रॉम ग्रुप डिस्क्रिप्शन बॉक्स अकॉर्डिंग टू दैट यू प्रिपेयर एंड थर्टी मार्क्स टेस्ट देते रहो रिविजन करके फिर तीन तीन हर वीक में उसके बाद जो नहीं होगा कॉमेंट बॉक्स में तुम लोग का डाउट्स और क्वाज लिख देना तो हम क्या करेंगे वो जो प्लान है कि हम वो सब डाउट्स और टोटल पेपर जो जो हुआ उसको फ्राइडे को डिस्कस कर देंगे क्लास का टाइमिंग एंड ऑल इट विल बी हेल्ड ऑफलाइन में ऑनलाइन में जो है ऑनलाइन में कर देंगे। तो प्लान क्या है कि practice, का ये प्रॉब्लम होता है कि सोचते कि ये मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स पेपर है बट ये नहीं है सी ए स्टूडेंट्स के लिए यह स्टैटिस्टिक्स मैथ्स का पेपर नहीं है वो था पहले 2023 दिसंबर तक था 2024 जून से ये क्वांट एप्टीट्यूड कर दिए चेंज क्यू के नाम को नया सिलेबस में चेंज इसलिए लाए कि अब एप्टीट्यूड के ऊपर जोर दे रहे हैं एप्टीट्यूड का मतलब वो नहीं है कि तुम बहुत मैथ्स करो लेकिन नॉलेज बनाओ और उसका प्रैक्टिस करते रहो नॉलेज इज इम्पॉर्टेंट एंड प्रैक्टिस उसके हिसाब से तो डरना नहीं है कोई प्रॉब्लम होगा नहीं लेकिन प्रैक्टिस करो I have seen over the years, कि तो करते करते बेकार problems करते, जो नहीं चाहिए वो पढ़ते और बोलते कि हम बहुत problem करेंगे फिर देने जाएंगे एकदम नहीं जो लोग पूछ रहे उसके ऊपर देंगे तो scanner करके भी कोई फायदा नहीं है क्योंकि चेंज हो रहा है क्वेश्चन को बुक से ही देखना है और उसको देख के हम लोग जरूर टाइम के हिसाब से प्रैक्टिस करेंगे That I'll give वही हम देना चाहते ये मेरा प्लान सामने का तीन वीक का होगा तो फोर्थ ऑफ ऑगस्ट से ट्वेंटी ये चलेगा, ये तुम लोग करो उसके बाद कुछ और टेस्ट रहेगा बीच में तुम लोग इंस्टीट्यूट का भी ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट तुम लोग जानते हो इकतीस तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं थर्टी फर्स्ट जुलाई से देन सिक्सटीन अगस्त से शायद है दो बार है दैट इज योर प्लान हाउ गिव बट मेरा प्लान यही है कि तुम लोग ये जो हम बनाए आइडिया इसको फॉलो करो और जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ देख लेना वो ग्रुप में और कमेंट सेक्शन में लिख देना एग्जाम टेस्ट देने के बाद तो ये चैलेंज है कि सी ए फाउंडेशन हम लोग दे रहे हैं सितंबर में जस्ट नॉट टू फेल और पास बट टू परफॉर्म योर बेस्ट यू शुड परफॉर्म एट योर बेस्ट किसी का भी कोई प्रॉब्लम है तो वो सोचो मेरा प्रॉब्लम है हम उसके हिसाब से चलना चाहते योर प्रॉब्लम इज प्रॉब्लम सो आई टेक केयर ऑफ दैट और ये टाइम जो है सामने का दिन इसको ठीक से यूज करो तो 24 अगस्त में जाके हम कॉन्फिडेंटली तुम लोग को कह सकते कि एक बार पूरा हो जाएगा कोर्स का तीन बार जो बोले तीन हर वीक में उसके बाद हम ऑफ कोर्स एक्स्ट्रा जो जो होगा वो बता देंगे तो अभी यही हम लोग का प्लान है कि ट्वेंटी फोर्थ से एकदम फुल स्टडी प्लान जैसे जैसे हम बोल रहेप दैट इट्स नॉट ए वेरी बिग प्रॉब्लम थोड़ा सा चैलेंज के हिसाब से इसको दो और परफॉर्म करो अपना बेस्ट तो दैट इज ऑल अबाउट दिस प्लानिंग एवरी थिंग गेट वर दिलेबस एक एक टॉपिक में तीन तीन टेस्ट एक वीक में होगा तो क्या क्या रहेगा अलग अलग करके तो दैट आई विल गिव यू तो दैट इज ऑल अबाउट